हिंदी में राइट. तो सबसे पहले तो आप सबका रिश्ता मुझसे इतने सालों से रहा है मेरे साथ, करण के साथ, सबके साथ है. इट्स एक्सट्रीमली एम्बैरेसिंग कि आज हमें इस तरीके से मिलना पड़ रहा है, बिकॉज अभी तक हम रेड कार्पेट्स में मिले हैं, बाइट्स के लिए मिले हैं, वैलेंटाइंस डे के लिए मिले हैं, एट्सेट्रा. मैं यहाँ आज सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि जब काविश बड़ा होगा तो मैं चाहती हूँ जब वो ये सब खबरें पढ़े. मैं चाह नहीं रही थी, 14 साल हो गए हैं हमारे रिश्ते को, 9 साल शादी को हो गए हैं, इतने सालों में भी बहुत कुछ हुआ बट किसी को कुछ पता नहीं चला, राइट. बट अब जब हमारे डिवोर्स की बात शुरू हुई पिछले 1 महीने पहले जब करण चंडीगढ़ में थे, तो उसके बाद आई डोंट नो मैं कितना बोलूँ मैं कितना नहीं बोलूँ, बट जितना भी मैं अपने आप को डिग्निफाइड वे में बोल पाऊँगी मैं बोलूँगी कि अनफॉर्चुनेटली करण हैज़ बिन हैविंग एन अफेयर विद अनदर गर्ल, जो मुझे नहीं पता था. एंड अचानक मैंने उनको देखा, यू नो जो भी मेरा प्रूफ था, मुझे ज़्यादा डिटेल्स में नहीं डिस्कस करना है, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरी लाइफ में एक लड़की है. तो मैंने कहा कि कुछ फिजिकल रिलेशंस या ऐसे कुछ भी, या क्या ये एक सीरियस अफेयर है या फिर ये एक यू नो कभी होता है यू इमोशनल या कभी ऐसा कुछ है कि वंस इन अ व्हाइल ही इज लाइक नो आई लव समवन एल्स आई हैव बीन हैविंग माय फिजिकल अफेयर विद हर. मैंने कहा कहाँ से लड़की, कब मिले आप उसको? तो ही सेड वो दिल्ली से, और जब जब करण चंडीगढ़ जाते थे शूट के लिए, जो कि वो शायद अक्टूबर से जाने लगे अपने नए शो के लिए, तो पहली बार उन्हें ये मौका मिला कि अपनी फैमिली से वो दूर रह सकें. दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड. उसके बाद बिकॉज एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ था, टू आई डोंट नो कि मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए. जब ये हुआ भी, आई थिंक आमतौर पर एक लड़की शायद झगड़ा करती या थप्पड़ मार देती या गुस्सा हो जाती या आई डोंट नो क्या करती, बिकॉज आई कैन सी कि आप में से कई लड़कियाँ हैं या आप लोगों की गर्लफ्रेंड्स या यू नो वाइव्स होंगी. पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया. मैंने करण को बोला लेट्स सिट डाउन एंड लेट्स टॉक कि क्या हुआ. तब उन्होंने ये सब बोला, मेरा ये है वो है. फिर मैंने अगले दिन आई टुक अ फ्लाइट अर्ली मॉर्निंग एंड मैं मम्मी पापा के पास गई, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को भी नहीं बोला, हालांकि मम्मी मेरे साथ ही रह रही हैं 2 साल से हमारी रिक्वेस्ट पे, क्योंकि काविश छोटा है. तो मैं मम्मी पापा के पास गई और मैंने बोला देखो ऐसे से है. तो उन्होंने कहा कि मतलब इन शॉर्ट मुझे किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना बिकॉज बहुत लंबा रिश्ता है, स्पेशली मम्मी पापा के बारे में तो नहीं. तो उन्होंने कहा तुम लोग यू नो जो भी है यू हैव टू वर्क ऑन इट. यू नो मम्मी ने बोला कि तुम यू नो यूर अ वुमन आई अंडरस्टैंड इट विल बी डिफिकल्ट बट यू हैव टू वर्क ऑन इट. तो मैंने कहा अगर करण सॉरी बोलते हैं या वो चाहते हैं कि मैं वर्क करना चाहता हूँ इस रिश्ते पे या यू नो तो ठीक है, यू नो वी विल वर्क ऑन इट. मैं वापस चली जाऊँगी. और करण भी बाय द वे आए थे मेरे साथ उस दिन, मैं चली गई थी और फिर वो एयरपोर्ट पे आ गए और वो भी आए थे मेरे साथ. हमारी बात हुई, सब हुई. लाइक आई सेड मुझे सपोर्ट नहीं मिला, मैं वापस आई. उसके बाद भी करण का एटीट्यूड वॉज लाइक यू नो जब किसी से गलती होती है तो आप यू ट्राइंग टू मेक अप, यू आर ट्राइंग टू बी मोर पोलाइट, यू ट्राइंग टू पुट एफर्ट. वो सब करण ने कुछ नहीं किया. मैंने बहुत एफर्ट्स डाले, आई मेड अ व्हाट्सएप ग्रुप जस्ट फॉर मी एंड करण कॉल्ड द लव प्रोजेक्ट. अभी बहुत सारी पर्सनल चीज़ें हैं जो एज अ हस्बैंड एंड वाइफ यू नो आई ट्राइड कि मैं इसको फिक्स करूँ या ये कहाँ पर ये चीज़ गलत हुई है. दूसरी चीज़, करण्स बिहेवियर ओवर द ईयर्स इन द लास्ट 14 ईयर्स, दिस इज़ नॉट न्यू. ओके, उसकी नैतिक इमेज है या जो कुछ भी है, द गुडी टू शूज़ जो भी इमेज बनी है, इट्स डिफ़िकल्ट. मैंने पूरी कोशिश की मैं उस इमेज को इंटैक्ट रखूँ बिकॉज हम सब एक्टर्स हैं, यू नो ऐसे ये सब करके करियर्स पे इफेक्ट होता है और हमारा बेबी भी अभी. तो मैंने कहा ठीक है, यू नो इट्स ओके. और हर बार करण कहते थे ओके आई एम सॉरी, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा. मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है. यू नो
शायद मैं ये मानना चाहती थी कि वो नहीं करेंगे एज अ वुमन, बिकॉज आई एम अ स्ट्रॉन्ग वुमन ऑफ द 21st century. आई टॉक अबाउट वुमेन्स राइट्स, आई टॉक अबाउट यू नो सो मेनी थिंग्स ऑन माई सोशल मीडिया ऑल्सो दैट सपोर्ट्स मदरहुड, यू नो मॉम शेमिंग, या फिर अपने राइट्स के लिए खड़ा रहना चाहिए. कई बार मुझे लगा कि इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डोमेस्टिक अब्यूज इज नॉट ओके. एंड फिर सी देर आर इमोशंस इन्वॉल्व. मुझे पता है आप अपना काम कर रहे हैं और आप शायद उतनी सी बात जानना चाहते हैं, बट मैं नहीं बोल पाऊंगी. अगर आपको सिर्फ इतना जानना है कि कल क्या हुआ, तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगी और मैं आप चली जाऊँगी. सो द पॉइंट भी, क्योंकि आप लोगों से इतना लंबा रिश्ता है लगता है, और मुझे लगता है शायद आप ये जानना चाहेंगे. एंड यू शुड, यू शुड नो दिस राइट. एनी वे, आई कम टू कल क्या हुआ. कल ये हुआ कि एक महीने पहले हमारी बात हुई जब करण चंडीगढ़ में थे, और मैंने कहा कि आई थिंक दिस इज़ टू मच, हमें डिग्निफाई करेंगे. मैंने कहा ठीक है, ही इज़ ऑन हियर ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर ऋषिकेश. तो कल हमारी बहस हुई. इनफैक्ट जब से वो आए हैं यहाँ पे चंडीगढ़ से 14 दिन, ये हमारे पॉइंट्स होने चाहिए, लेट्स डिस्कस और एमिकेबली इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो कुछ भी हो गया. अब काविश छोटा है, काविश ऐसे तो नहीं है कि उसकी 2-3 साल की पढ़ाई बाकी है, उसकी पूरी ज़िंदगी बाकी है. वो प्ले ग्रुप में था जब ये पैंडेमिक हुआ, तब से वो घर में ही बंद है. तो मैंने कहा कि यू नो जो कुछ भी छोड़ो, इफ़ यू डोंट टू बी विद मी इट्स ओके, यू नो आई डोंट वांट टू बी विद अ मैन ईदर हु डजंट वांट टू बी विद मी इट्स ओके. बिकॉज अब तक तो वो सॉरी बोल रहे थे, जब वो गलती करते थे वो सॉरी बोलते थे, मुझे लगता था कि नहीं. जबकि ये एक प्रॉब्लम है, यू कैन नॉट कीप अब्यूजिंग समबडी इमोशनली फिजिकली मेंटली एंड कीप सेइंग सॉरी. यहाँ पर शायद मेरी गलती है कि मुझे पहले ये स्टैंड उठाना चाहिए था. बट एनीवे, फिर ये हुआ कि कल हमारी बहुत बहस हुई. बिकॉज मैं उनसे बहुत दिनों से कोशिश कर रही हूँ, जब से वो क्वारंटीन से बाहर आए हैं. क्वारंटीन में भी थे तो उनकी सारी सेवा हुई, उनको खाना मिला, काढ़ा मिला, जो मेरा फ़र्ज था. बट उनके साथ कोई बैड बिहेवियर नहीं हुआ है. जो कुछ मैं बस सुन रही हूँ कि वो बोल रहा, क्योंकि वो विक्की को मानते हैं कि विक्की भाई आप आ जाओ, हम बैठ के बात करेंगे. विक्की 4 दिन से करण से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी मुझसे अलग से, कभी करण से अलग से, कभी हम दोनों को पूछते हैं कि कुछ रिपेयर हो सकता है क्या रिलेशनशिप, यू नो इतना कुछ मतलब हमने साथ में देखा है. तो करण ने बोला नहीं हो सकता है. इसके बीच में करण ने बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी की है, वेर ही सेड मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है इसलिए मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूँ, यू नो लाइक मतलब बहुत ही चीप स्टफ, आई डोंट गेट इन टू दोज डिटेल्स. तो मैंने कहा मुझसे नहीं हो पाया, मुझे बात करने के लिए कोई चाहिए, बिकॉज आई डोंट हैव माई डैड, आई डोंट हैव एनी अदर ब्रदर, इट्स जस्ट मी एंड माई मॉम. सो विक्की हैज़ ऑलवेज बिन द ब्रदर. इवन जब आप लोग शादी में भी आए थे, उन्होंने मेरी बड़े भाई की सारी रस्में की थी. तो मैंने और विक्की को भी मैंने बहुत बाद में बताया, मम्मी को भी मैंने बाद में बताया. एनीवे, तो जब 4 दिन के बाद भी उन्होंने विक्की को कुछ एक चीज़ बोली और फिर वो चीज़ में मुकर गए, तो मैंने घर उनको बोला अब मुझे आपसे बात करनी है. एंड आई वॉन्ट यू टू नो दैट यू आर अ वेरी बैड ह्यूमन बींग, बिकॉज यू आर नॉट इवन ओनिंग अप टू वॉट यू हैव डन. वो भी छोड़ो, अगर हमारा आगे बच्चा, उसके फ्यूचर के बारे में क्या करना है. सो ही गॉट रियली अपसेट एंड ही गॉट रियली वाइल्ड एंड ही सो स्मार्ट. घर में जहाँ जहाँ CCTV कैमराज लगे होते हैं वहाँ पे ही डजन डू एनीथिंग, बट जिस भी कमरे में लगे, इन आर बेडरूम देयर इज नो CCTV कैमरा, वहाँ पे ही यूज टू ऑलवेज बिहेव बैडली विथ मी. एंड ये चीज़ मैंने 2-3 दिन बाद नोटिस की, क्योंकि अब तक तो हम मिले ही नहीं थे जब से डिवोर्स की बात हुई थी. सो एनीवे, करण हैड केप्ट अ बुक इन फ्रंट ऑफ अ CCTV कैमरा जब से वो आए थे. बीच बीच में निकालते थे, बीच में डालते थे, जब उनको खोलना होता था खोलते थे. फिर ऑब्वियसली वी आर ऑल्सो लिविंग हियर, वी आर ऑल्सो नॉट कम्फर्टेबल. तो मैंने वो कैमरा ऑफ कर दिया 8-10 दिन पहले. मैंने कहा कि यू नो आई एम चेंजिंग, विक्की हैज़ कम नाउ, यू नो ऑल दोज थिंग्स.